Yeah, come in. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Rusa Saleem? Ji. Baithe. सर ये मेरी फाइल। वैसे अशफाक ने आपकी सीवी और एप्लीकेशन मुझे भिजवा दी थी। आप बहुत सही हैं और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। आपको जॉब तो मिल सकती है मगर एक प्रॉब्लम है। वो क्या? हो सकता है आपको हमारा पे पैकेज पसंद ना आए। देखिए हमारे यहाँ नए एम्प्लॉयज को मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। अशफाक ने मुझे बताया कि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहती हैं। जी सर, मुझे इस जॉब की शदीद जरूरत है। आई नो दैट। देखिए हर कंपनी के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब मैं आउट ऑफ वे जाके आपकी सैलरी बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकता। हाँ ऐसा करता हूँ कि 30,000 कर देता हूँ एज अ स्टार्ट। फर्दर डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। मैं कब से ज्वाइन करूं फिर? कल से। आप बीएससी मैथ्स कर रही है ना? इस हवाले से तो मैं आपको अकाउंट से पोस्टिंग दूंगा। हमारी अकाउंटेंट मिस रावे बहुत अच्छी खातून है। आई एम श्योर कि आप उनके साथ बैठ के बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख भी जाएंगी और बहुत कंफर्टेबल भी रहेंगी। थैंक यू। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। चलें जी जल्दी से आ जाइए। मम्मा ने मजेदार स्नैक्स बनाए तुम्हारे लिए। वाह भाई। अरे आ जाओ मेरे दोनों बच्चों, बैठो आराम से खाओ। मैं आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? थैंक यू आंटी। वेलकम। हाँ जी सोया, अब्बू कन्विंस करने के लिए थैंक यू। अरे भाई बस भी करो, अब ये एहसान मंदी का इजहार कर करके तुम मुझे रुला मत देना खुदा के। प्लीज ये खाओ। पता है घर का माहौल इतना अजीब हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग फट जाएगा। मामी से मुझे इस घटियापन की उम्मीद नहीं थी। अच्छा ये बताओ वलीद भाई ने कोई रابطہ किया? हाँ फोन किया था, मैंने अटेंड नहीं किया। अरे यार वो बीनी के बारे में अपने घर वालों को बता क्यों नहीं देता? छुपाया हुआ क्यों है? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह जानता है और बीनी वो भी उसी गलत कहे। तो फिर जो उसके पास सबूत हैं वो दे दे। आई थिंक सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। और प्लीज यार मेरा दिल इतना दुख गया इस टॉपिक से कि अब इस बारे में सोचती हूँ तो वैशेज होने लगती है। वैसे भी उनकी प्रॉब्लम है, जैसे दिल चाहे डील करें। अच्छा खैर ये बताओ साइमा आपी ने तुम्हें बताया यहाँ आने के बारे में? उसी दिन तो सारा तमाशा हुआ था, घर आए तो घर का माहौल बदला हुआ था। आई सी। अच्छा ये बताओ कि आंटी अंकल को बिलाल कैसा लगा? अरे पापा से तो वो गपशप में लगा रहा, लेकिन मामा ने तो सिर्फ सलाम दुआ ही की। और आंटी ने तुम्हें क्या रिस्पॉन्स दिया? मामा को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है, और बिलाल के लिए उनसे बात करना तो पानीपत की जंग है। इतना खौफनाक फ्यूचर? हाँ हम भी मुश्किल पसंद है, मुकाबला सख्त होगा। तो मैडम ने सोच लिया है? हाँ ऐसा ही कुछ है। चलो बेस्ट ऑफ लक। मगर मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई एग्जाम्स के बाद शुरू हो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स यार, एग्जाम्स के बाद ही, लेकिन इस जंग में तुमने मेरा साथ देना। सोचूंगी। अब दूंगी। अच्छा ये लो। सोच रही हो शिम्मी? सोच रही हूँ कि जिंदगी में पहली मर्तबा मेरा अंदाजा गलत साबित। ये बात तुम साइमा भाभी की वजह से कह रही हो?
बिल्लू के रिश्ते की बात करके उन्होंने तुम्हारा दिल ही जीत लिया। ठीक कहा तुमने। अरे मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी किसी बड़े अच्छे अमीर घराने में हो जाए। अब देखो लड़की कितनी अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, शक्ल सूरत की भी बहुत प्यारी है। बस एक बार शादी हो लेने दे यहाँ पर, फिर तू देखना अरे बारे न्यारे हो जाएंगे हमारे। ये सारी प्लानिंग तो तुम्हारी है ना, अब पता नहीं वो क्या सोचते हैं, उन्हें हमारा घर और घर वाले पसंद आते भी हैं या नहीं। अरे बेवकूफ, अगर साइमा ने बात की है तो कुछ सोच समझ के की होगी ना। अल्लाह जाने उसने जोया के घर जाके ये बात की है कि नहीं। तो अभी लो भाभी को बुलाती हूँ, पूछ लो ना। चुप कर जा, ये जो बेताबी होती है ना इंसान को हल्का करके रख देती है। और वैसे भी माना कि हमारी ख्वाहिश है, लेकिन अपनी ख्वाहिश के सामने इस तरह से कमजोर नहीं पड़ा जाता। लोगों को जब पता चलता है ना तो इंसान हल्का पड़ जाता है, लोग फायदा उठाते हैं नाजायज। भाई तुम्हारी ये फलसफियाना बातें ना मेरे सर से गुजर जाती। एक काम करो ना, तुम लिखना क्यों नहीं शुरू कर देते? डाइजेस्ट में औरतें ऐसी कहानियों को बहुत पसंद करती। बस एक बार शादी हो जाने दे फिर देखना। आजा भाई, बहुत मुश्किल से हाथ आया। बैठ। अच्छी जगह है। हाँ फेवरेट है हमारी। और क्या हाल? यार सारी बातें छोड़, ये बता वहाँ किसी गोरी से दोस्ती की या फिर पढ़ाई में बिजी रहा? अरे यार दोस्तियाँ होती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि इंसान कुछ भी करता फिर। और तू तो मुझे जानता है ना। हाँ भाई अच्छी तरह से जानता हूँ, तेरी सुई भी ना एक ही जगह आके अटक गई है। हाय नेक परवीन, अगर मैं तेरी जगह पे होता ना तो। पर हम वो देख, आज वो तीसरी लड़की नहीं आई यार। तुम जानते हो? अब इन लड़कियों को कौन नहीं जानता। मैं नहीं जानता, कौन है ये? अरे मेरे भाई तुम पाकिस्तान में रहते ही कहाँ हो जो इन लोगों को जानोगे? पर मैं इन लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, ये लड़कियाँ ना बड़ी। अच्छा छोड़ यार, तू क्यों इनके पीछे पड़ गया है? हमारा यार आया है इतने दिनों के बाद, इसके बारे में बात कर। क्यों इनके बारे में बात करके अपनी जबान गंदी कर रहा है? अरे यार छोड़ो मिट्टी पाओ, वैसे भी आज वो तीसरी लड़की नहीं आई, अगर वो आ जाती ना तो तेरा टाइम भी खराब होता और जबान भी। भाई तू इस पे ध्यान ना दे, तू बता क्या खाएगा? मैं यार खाऊंगा कुछ भी नहीं, कुछ पीते हैं कोल्ड कॉफी, यूनिवर्सिटी की याद ताजा करते। हाँ हाँ भाई, वैसे भी आजकल घर पे तो बहुत लाडियां हो रही होंगी, खिदमतें करवाई जा रही होंगी सबसे, और खानदान वाले तो इनविटेशन लेके बैठे होंगे, आइए आइए हमारे घर भी आइए। और वैसे भी जिनकी जवान लड़कियां होती है ना वो पल्लू में छुपा कर रखती है फॉरेन रिटर्न लड़कों को। ब्रो आर यू ओके? या आई एम फाइन। कुछ ऑर्डर करते? हाँ वेटर को बुलाया। एक मिनट वेटर। बीनी की एक्टिविटीज बहुत मशकूक है और उसका फ्रेंड सर्कल वो खासा बदनाम है पूरी यूनिवर्सिटी में। अब वो मेरी सैलरी 30,000 रुपए होगी। वो जोया तो कह रही थी कि 50,000 रुपए मिलेंगे। नहीं अबू, दरअसल वो स्टार्टिंग में अपने हर वर्कर को 20-25,000 रुपए देते हैं, लेकिन मुझे फारुक अंकल की वजह से 30,000 रुपए दे रहे हैं, और वक्त के साथ साथ पे बढ़ जाएगी, और ये एक अच्छा स्टार्ट है। अच्छा चलो वही, फिर तुम अगर अपनी माँ की हेल्प करना चाहती हो तो फिर कर लो। नहीं अबू, मैं आपकी भी हेल्प करना चाहती हूँ। क्या मुझे भी दिया करोगी खर्चा बहाना? मैं सारी सैलरी लाकर आपको दे दूंगी।
भाई ये तो बड़ी जानी निकली है, खुश रहो देखो भाई अच्छा जागे जागे जी, खैरियत अगर डिस्टर्ब नहीं किया तो कॉल कर लो। डिस्टर्ब तो आपने कर ही दिया है तो कॉल भी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी जल्दी सो जाती हैं। अच्छा, आपको किसने कहा? नहीं, वो आपने कहा ना डिस्टर्ब किया है तो। ओह, डिस्टर्बेंस क्या तभी होती है जब किसी सोए हुए को जगाया जाए? नहीं, वो मगर वो क्योंकि रिलैक्स मैं पढ़ रही थी। I'm sorry. Sorry? आपके पास हर बात का जवाब सिर्फ सॉरी ही होता है? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। दोस्तों के साथ बेतकल्लुफी में सॉरी नहीं करता। अच्छा, ना ही मुझसे दोस्ती और ना ही बेतकल्लुफी, यही कहना चाहते हैं ना आप? हेलो, क्या हुआ बोलो। क्या बोलूं? अरे, फोन आपने किया है, क्यों किया है ये भी आप ही को मालूम होगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता। तुम्हें याद कर रहा था। ओह, अब दिया ना आपने सही जवाब। वैसे क्यों याद कर रहे थे? वो भाभी भाभी नंबर पे कॉल आपके नंबर पे कॉल कर रही थी ना, वो केस के लिए, तो नंबर मिल नहीं रहा था तो उन्होंने मुझे कहा रابطہ करने के लिए। ओके, आप साहब आप इसे कहिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पापा उन्हीं की केस की तैयारी कर रहे हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ओके बाय। हेलो हेलो, डरपोक है। बिलाल साहब, आइंदा बगैर तैयारी के इसको फोन मत करो। इतना शर्मिंदगी से ना आईने में अपनी शक्ल नहीं देख सकता। हाय, क्या कहें बेचारा,
बिलाल। मैं तो खुद इतना हंस रही थी, और तुम्हें पता है मजे की बात तो ये है कि मैं हंसते हंसते सोई और हंसते हंसते ही उठी। भाई फिर तो ठीक है, मैं बिलाल से कहूंगी कि वो रोज रात तुम्हें कॉल कर लेगा। इनफैक्ट तुम हंसते हंसते यूनिवर्सिटी तो आओगी और फिर हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। ओ रूसा मैडम, ये जो दो महीने गुफ्तगू कर रही है ना, अच्छी तरह समझ रही हूँ, इसलिए मोहतात रहें। जानती हूँ ये धमकियां देना तुम्हारी आदत है। कहीं तुमने उस बेचारे बिलाल को भी तो धमकी नहीं दे दी। हाय बेचारा, अब उस बेचारे को क्या पता कि एक वकील की बेटी से किस तरह बात करनी है। सीख जाएगा, दो चार बार बात तो कर लेने दो। चलो वैसे तुमसे बात करूं उसकी? नहीं। भाभी शहजाद जी आए। शहजाद? अच्छा ठीक है, लाउंज में बिठा दिया आज है। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। जरूर पैसे मांगने आया होगा, और क्या काम हो सकता है उसका यहाँ पे। ये क्या शहजाद जी, हमारी ना सही, बहन की याद तो आती होगी ना आपको, इतने दिनों बाद आए। क्या करें, कोई बुलाता नहीं इसलिए हम आते हैं। हाय अल्लाह कसम ले लें शहजाद जी, कितनी बार साइमा भाभी को कहा कि बुला लो घर वालों को, भाई हमें भी खुशी होगी ना। भाभी आप बैठे, भाई के साथ मैं चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े बना के लाई। चीनी कितनी लेंगे? सिर्फ 3 चम्मच। हाँ कैसे आना वो? इधर से गुजर रहा था अभी, तुम्हारा ख्याल आया तो सोचा तुमसे मिल लूं। वाह वाह सुभान अल्लाह, यहाँ से तो पहले भी कई दफा गुजरे होगे, आज कोई नया दिन है। शक की आदत गई नहीं तुम्हारी, तुम्हें ये लगा होगा भाई आ गया तुम्हारे पैसे मांगने के लिए। हाँ दिल की बात आ गई ना जुबान पे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ ये बताने आया था कि अब्बा ने उरूसा को जॉब की इजाजत दे दी। क्या मतलब है जॉब की इजाजत दे दी, इतना सब कुछ हो गया वो कम था क्या? देख लो अभी, यही बताना था बस तुम्हें। आती हूँ मैं शाम को घर, खबर लेती हूँ, जरा पूछती हूँ अब्बू से कोई कसर छोड़ी थी इस लड़की ने। मेरे हाथ के पकोड़े खाके तो खुशी हो जाएगा। ये पकोड़े किसके लिए बन रहे हैं? और ये नया सेट क्यों निकाला? अरे शहजाद जी आया शिमी, पहली बार। पहली बार? 4 मर्तबा पहले भी आ चुका है वो। मुझसे मिलने के लिए तो पहली बार आए ना भाई, और खुदा के वास्ते उनके सामने ना वो जहेज के ताने देना मत, शुरू हो जाना छोटे लोगों की तरह प्यार और मोहब्बत से बात करना। अच्छा सुन, अब दुनियादारी तू मुझे सिखाएगी? और नहीं तो क्या, जिसको भी देखो उसके सामने तुम जहेज का रोना शुरू हो जाती हो। अगर शहजाद से ऐसे बात की ना तो वो दोबारा मुझसे मिलने नहीं आएगा। और हाँ मेरे पकौड़ों की ना बहुत तारीफ करना। चखा तो दो कैसे है? लो तुम पहले खा लो। अरे बहुत गर्म है। हाँ सही लग रही? मुझे तो बहुत से। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो, बैठो बैठो। हाँ 3 चम्मच चीनी। अरे शुक्रिया। देना ये मैं ले लेता हूँ आपका। थैंक यू। देखो भाई मैंने तो कितनी मर्तबा कहा है साइमा से कि अपने घर वालों से कहो कि मिलने आ जाएं, अम्मा अब्बा बहन, लेकिन नहीं भाई इसके घर से तो कोई आता ही नहीं। बस आंटी वो हमारे घर पे रिवाज है ना, बेटी एक दफा ब्याह दी तो फिर ज्यादा उसके घर आते जाते नहीं। अरे ये क्या बात हुई बेटा, जब तुम्हारा दिल चाहे ना तुम आ सकते हो। अरे इसे अपना घर समझो, बल्कि तुम्हारा अपना ही तो घर है। हाँ पकौड़े लो ना,
नीलों ने अपने हाथों से बनाए गर्मा गर्म, बहुत मजे के, और खास तुम्हारे लिए बनाए। लो ना, इसे झटपट काम करती है मेरी बच्ची, के क्या बताऊं। कसम खुदा की जिसके घर जाएगी ना उसके तो वारे न्यारे ही हो जाएंगे। साइमा लो ना। जी। जा रहे हो? एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कौन से दोस्त? और सच बोलना। क्या सुनना चाहती हैं आप? सिर्फ सच। सच ये है कि मैं अपने फ्रेंड उस्मान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो वहां जाता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ और आपकी बात करवा देता हूँ, फिर तो यकीन आ जाएगा आपको। यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है? कौन? किसकी बात कर रही है? ये उरूसा की बच्ची, इसको मॉम ने मेरे भाई के साथ रंगे हाथों पकड़ के इसके माँ बाप के हवाले कर दिया। अगर गैरतमंद होते तो अपने घर का दरवाजा पार करने के बजाय दुनिया से ही पार करवा देते, लेकिन लगता है वो भी इसकी तरह बेशरम है। आओ जरा पूछ के आते। छोड़ो यार, खाम खा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता ना तुम्हारा भाई आया हुआ है, अरूसा ने इसे बता दिया ना, बिलावजह गुस्सा करेगा। तो मैं भाई से डरती हूँ? मैं तो इसकी बैंड बजा दूंगी। आओ बबली, चलो देखते हैं इसे। दोनों को तो तुमने उस दिन रेस्टोरेंट में देखा था ना? ये तीसरी वाली राहिल की गर्लफ्रेंड। राहिल की गर्लफ्रेंड क्या यार, गर्लफ्रेंड से तो बहुत याद ही निकल गया इनका रिश्ता। बाबा से बात करनी चाहिए। बड़ी बेशरम लड़की हो। तुम्हारी जगह अगर कोई बाहया खैरतमंद लड़की होती तो अब तक तो अपने घर में कब्र खुदवा चुकी होती। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से भाई अपनी पढ़ाई छोड़कर आ गया। मॉम डैड उन पर सख्त गुस्सा है। मेरे घर का माहौल कभी इतना टेंस नहीं हुआ। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम क्या समझती हो, भाई को बेवकूफ बनाकर उनसे अपना मतलब निकलवा लो? तू रहो मेरे भाई से, वरना तुम्हारा मैं ऐसा। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार वजाहत कर रही हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं बुलाया और ना ही वो मेरे लिए आया है। वो जिसलिए अपना सब कुछ दाव पर लगा कर आया है तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। और दूसरी बात, तुम अपनी दो दोस्तों के साथ मिलकर चीख चीख कर भी अगर मुझे बेहया या बेशरम कहोगी ना तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। अलबत्ता अगर मैंने तुम्हारे बारे में सरगोशी में भी बात की ना तो जानती हो क्या होगा, आंधी तूफान की तरह फैल जाएगी, क्योंकि सब तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं।
और मेरे किरदार के बारे में इस पूरी उन्हीं में अच्छी तरह पता है। समझी? चलो जोया, इसके लिए आज इतना काफी। अगर ये अंदाजा होता कि बीनी ऐसी हरकतें करेगी तो मैं तभी यहां से ना जाता। ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? ओ मेरे अल्लाह। अरे जी जी, आपकी खुशी में जरूर आएंगे। और फिर ऑफिस में तो आपसे मुलाकात हो रही है, बस वही कार्ड दे दीजिएगा, घर आने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे वाह 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 वाह, चाय आई है, मेरा इतना चाय पीने का दिल चाह रहा था। दोनों मिलके चाय पीते हैं। दोनों, ये मेरी चाय नहीं है, तुम्हारी बहन का ऑर्डर है। अपनी चाय पकड़ो, मैं उसे दे के आती हूँ। चलो कोई बात नहीं ना, तुम नीलो को एक कप दे दो, दूसरे कप में से मैं और तुम शेयर करेंगे चाय। ठीक है मोहसिन, अपनी बहन को ना समझाना, बस तुम शेयर करते रहना। तो शेयरिंग तो केयरिंग होती है ना। मेरी बात सुनो, अब ना मेरे लिए एक नौकरानी रखो जो तुम्हारे घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर सके। ये लो चाय पकड़ो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस घर में एक नए महाज का आगाज होने जा रहा है। यार तुम्हें जो कुछ भी कह रहे हैं ना, साफ साफ कहो। ठीक है, आप ट्रस्ट करेंगे मेरी बातों पर? क्योंकि मामा को तो आजकल मेरी बातों पर ट्रस्ट आई नहीं। ये तुम्हारी हरकतें हैं ना, इसकी वजह से तुम बेदबार हो गए मां की नजर। यही तो आपको बताने आया हूं कि मैं गलत नहीं हूं पापा। आप बीनी और मामा ये समझ रहे हैं कि मेरे यहां आने की वजह उरूसा है, जबकि बस पापा आप बीनी की शादी कर दें, जहां हो जैसे हो कोई अच्छा रिश्ता देखकर बस उसकी आप शादी कर दें प्लीज। शादी? एक कोई वजह होनी चाहिए। वजह ना मैं आपको बता सकूंगा ना आप सुन सके, बस ये जान लें कि मजीद उसका यूनिवर्सिटी जाना हम सबके लिए नुकसानदेह होगा। समझ में नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो। मेरे सामने खड़े होकर इस तरह की बात करो मेरी बीनी के बारे में? नहीं आ रहा ना आपको मेरी बात पर यकीन? मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो सुन ले, बीनी की यूनिवर्सिटी में जिन लड़कियों से दोस्ती है वो बदनाम तरीन लड़कियां हैं, और बीनी भी उनके साथ बदनाम हो रही है। So what? बुरी और बदनाम लड़कियों के साथ दोस्ती खत्म की जा सकती है, यूनिवर्सिटी छुड़वाने की जरूरत क्या है? क्योंकि बात अब बुरी लड़कियों से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। जी मिस उरूसा, ये आपकी सीट है, मोमल और हम्माद आपकी हेल्प करेंगे। आपको कुछ भी पूछना हो आप इनसे पूछ सकती हैं, और अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं भी यहीं हूँ। ओके, थैंक यू। प्लीज वेलकम। आई होप तुम्हें हमारे साथ काम करके अच्छा लगे। मैं हम्माद की वाइफ हूँ। मैं हम्माद हूँ, मोमल का हस्बैंड। एंड वेलकम इन आवर ग्रुप। थैंक यू। अगर कोई भी मसला मसाइल हो तो आप मुझे समझ सकती हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा, क्योंकि एमबीए में मेरे मोमल से ज्यादा अच्छे नंबर आए थे। सिर्फ 1 पॉइंट नंबर ज्यादा थे। सिर्फ? मेरी 8 पोजीशन थी और तुम्हारी 15 पोजीशन थी। इस बात का जवाब मैं तुम्हें घर जाकर दूंगी, बेहतर होगा अभी मुझे गाइड करने दो। बेचारी बच्ची को डरा दिया, देखो चुप हो गई है तब से।
अरे नहीं नहीं, मैं डरी नहीं हूँ, बल्कि तुम दोनों की नोकझोंक देखकर ये सोच रही हूँ कि कहीं ये लड़ाई कोई खतरनाक मोड़ ना अपना ले। हाय मेरी बहन, ये कैसा तजुर्बा है तुम्हारे जुमलों में? ये जाती तजुर्बा है या सोप ड्रामों का? डोंट वरी, सारा दिन सारा ऑफिस हमारी नोकझोंक का आदी हो गया, तुम भी हो जाओगे, फिर ना कोई डर रहेगा ना खर्चा। आज पहला दिन है, इतनी डोज काफी है, काम कर दो, बॉस आ जाएंगे तो मसला हो जाएगा। तुम कौन सा नया तमाशा लगा रहे हो वलीद? तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये जो तुम घटिया बातें कर रहे हो, तुम अपनी बहन के खिलाफ कर रहे हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अरूसा के झूठ को तुम सच मान लोगे। अरूसा कहां से आ गई इस मामले में? अरूसा नहीं आई तो और कौन? वही है ना फसाद की जड़, उसी ने ये सारे झूठ बोले ना तुम्हें, ये सारी लगाई बुझाई, और जाहिर सी बात है उसी ने करनी थी, उसने मेरी बच्ची से अपनी अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। आप क्या मुझे छोटा बच्चा समझती हैं? या मैं बेवकूफ हूं और आप लोग दुनिया में सबसे ज्यादा अकलमंद हैं? बीनी की जिन लड़कियों से दोस्ती है उन लड़कियों को आप भी अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि वो लड़कियां हमारे घर पे आती जाती रही हैं। यूनिवर्सिटी की सबसे बदनाम लड़कियां हैं बाबा वो, और ये बात सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले नहीं पूरा शहर जानता है। दोस्ती थी, दोस्ती है नहीं, मैंने खत्म करवा दी थी तमाम दोस्तियां। गलत फहमी है आपकी, झूठ बोला है उसने आपसे, आपकी आंखों में धूल झोंकी है, ये दोस्ती खत्म नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ चुकी है। हॉस्टल में वो उन्हीं लड़कियों के साथ रह रही थी, पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना है बाबा, हर शाम को वो उन लड़कियों के साथ पार्टी में जाती थी। और पागल हो गया ये, मैंने आपको बताया था ना, मैं खुद गई थी हॉस्टल, अपनी आंखों से देखा, हमारी बच्ची वहां पे बाकी लड़कियों के साथ पढ़ रही थी। जहीर ये तो पता नहीं, ये जो सारे झूठ बोल रहे हो, एक भी सबूत है तुम्हारे पास? हाँ जहीर, जहीर ये गलत बोल रहा है, जहीर आप मेरी बात सुने, जहीर मैं सच बोल रही हूँ ना जहीर? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? नहीं है। भरोसा नहीं है ना मुझ पर? नहीं है। जो सबूत मैं आपको दूंगा आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, ये देखे, ये है सबूत। चले, इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि कन्विंस भी प्रोवाइड करूंगी, कल अपना कार्ड अप्लाई कर देना और आज ड्राइवर को अपना पॉइंट बता देना। चले, तुम बस में जाती हो? नहीं, मैंने और अमाद ने मिलकर सेकंड हैंड कार ली, पर्सनल कन्विंस। चले, मैं नहीं मान सकती, ये सब झूठ है, झूठ है, साजिश है मेरी बच्ची के खिलाफ। ये सब हकीकत है मामा, और इस हकीकत को आप जितनी जल्दी तस्लीम कर लेना इतना अच्छा है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी? आपसे बात करने की कोशिश नाकाम होने के बाद ही मैं बाबा के पास गया। तुम अच्छी तरह से जानते हो जहीर कितने जज्बाती हैं, दिल के मरीज है, तुमने ये भी नहीं सोचा? आपको अब भी लग रहा है कि ये सारी कहानियां मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ ये सब? देखो वलीद, जब तक मैं खुद बीनी से बात नहीं करती मैं कुछ नहीं मानूंगी। हाँ मैं जानती हूँ उसकी चंद दोस्तें ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने उसे मना किया था उनसे मिलने से। मना किया था, रोका नहीं था, और आपने बाद में पूछा भी नहीं वो मना हुई या नहीं, वो रुकी या नहीं। फलीद कुछ मामले बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको बड़ी एहतियात से हैंडल करना। ये एहतियात नहीं है, आपकी लापरवाही अपनी औलाद के लिए। मामा आप क्यों नहीं समझ रही, अभी तो मैंने ये पिक्चर्स बाबा को दिखाई नहीं है, ये पिक्चर्स देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता आप देख लेती। समझे इस बात को, ये सीरियस मैटर है, मत दे इतनी आजादी। मैं ठीक नहीं किया,
लो आप ही। मुबारक हो, तनख्वाह तो वैसे कम है बड़ी। आप ही अभी तो स्टार्ट है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। मैं तो खुश हूँ भाई, अल्लाह का शुक्र मेरी आमदनी में इजाफा हो गया, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी है। शुक्रिया अम्मी। अच्छा अम्मी छोड़े, ये बताएं कि ये शहजाद मेरे ससुराल क्या करने आया था। शहजाद तुम्हारे ससुराल आया था? मुझे तो ये भी नहीं पता कि कब आया था, तो ये कैसे पता होगा क्या करने आया था। कब आया था वैसे? आज आया था, और मेरी सास तो ऐसे बलाएं ले रही थी, और वो नीलो वो भी पकौड़े ला ला के उसको पेश कर रही थी। ऐसे तमाशे लगे हैं ना मेरे ससुराल में कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बात सुन ले अम्मी, अगर वो नीलो इस घर में आ गई ना तो आपको फिरकी की तरह नचाएगी, मैं अभी आपको बता रही हूँ। अभी आराम से, क्या हो गया, एक ही दिन में सारी चुगलियाँ करोगी? क्या हो, क्या गया तुम्हें? बड़ी एहसान फरामोश है। वैसे तो कहती हूँ भाई चक्कर नहीं लगाता तुम्हारे घर के, अब पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही हो तुम। डस्ती है ये, इसकी बातों में नहीं आइएगा। हाँ डंक मारती हूँ, बताती हूँ मैं तुम्हें, सुन ले आप, मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई चांद चढ़ाएगा, मैं बता रही हूँ आपको, लिख ले आप। सुन रही है ना आप, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? सुन रही हूँ भाई। तुम तो जाओ भाई, मिठाई लेके खड़ी हुई हूँ कब से, जाओ। ऐसे साइमा, ये तुम्हारी जबान और बदगुमानी ये तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ तुम। बस आप मुझे ही बातें सुनाया करें।